ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी जानकारी वाली बात भी है, इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी समझने वाली बात भी है, उस समझने वाली बात को भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कहता है ए इज इक्वल टू 2121 एंड बी इज इक्वल टू 9331। ये ए दे रखा है और बी दे रखा है। आगे बोलता है फाइंड मैट्रिक्स एक्स इन बिलो केसेस। बिलो कुछ केस दे रखे हैं और उसके अंदर मैट्रिक्स एक्स निकालना है। पहला केस दे रखा है ए एक्स इक्वल टू ए, दूसरा केस दे रखा है एक्स ए इक्वल टू आई, और तीसरा केस दे रखा है एक्स बी इक्वल टू जीरो यानी नल मैट्रिक्स बट बी एक्स नॉट नल। अब मेरी बात को सुनेंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट ए भी जीरो है और डिटर्मिनेंट बी भी जीरो है। याद करो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आराम सुनिए मेरी बात को, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, गुरुजी अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता तो सॉल्यूशन निकालने का एक क्वेश्चन अपन ने किया था, याद है आप लोगों को? अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता तो सॉल्यूशन निकालने का एक क्वेश्चन किया था, दोनों ओर इनवर्स से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लिया था। लेकिन अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का, कंपैरिजन। एक बात और, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं दो बातों को पकड़े, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और ऐसी स्थिति में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई कंपैरिजन और ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप सुने ध्यान से, चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं ए एक्स इक्वल टू ए, तो ए लिख लिया 2121, एक्स को मान लिया ए बी सी डी। कंपैरिजन का मतलब होता है मैट्रिक्स को मान के एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर कर लो। सुनो ध्यान से, या तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कंपैरिजन, मैट्रिक्स मान के कंपेयर कर दो मल्टीप्लाई। तो दिस इंटू दिस 2a प्लस सी, दिस इंटू दिस 2b प्लस डी, दिस इंटू दिस 2a प्लस सी, दिस इंटू दिस 2b प्लस डी। तो ये बराबर आ गया 2121 के। कंपेयर 2a प्लस सी 2, 2a प्लस सी 2, 2b प्लस डी 1, 2b प्लस डी 1। कुल मिला के चार वेरिएबल, दो इक्वेशन। यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आती है कि सी 2 माइनस 2a, और यहां से निकल के आती है डी 1 माइनस 2b। तो मैट्रिक्स एक्स निकल के आ गया आपके पास ए 2 माइनस 2a, बी 1 माइनस 2b। लीजिए, ये आपको क्या मिल गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि भैया वेरिएबल चार हैं और इक्वेशन दो ही आई है। तो चार इक्वेशन दो वेरिएबल, तो अनंत सॉल्यूशन बनेंगे। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी शक्ल ऐसी होगी, रूप ऐसा होगा, दिखने में ऐसा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, वैसे आप लोग इंटेलिजेंट हैं, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकल जाता है और ऐसी स्थिति में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैट्रिक्स अज्यूम करके कंपेयर करके सॉल्यूशन निकलता है और ऐसी स्थिति में नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। देखो, यहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला है। अगला हम लोग सॉल्व करेंगे
एक्स इक्वल टू आई, तो आई एक्स ए इक्वल टू आई, चूंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यही तरीका है, खेलो दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b a प्लस बी, 2c प्लस 2d c प्लस डी, 1 0 0 1। कंपेयर करिए, 2a प्लस 2b 1 हो जाए, फिर a प्लस बी 0 हो जाए, 2c प्लस 2d 0 हो जाए, c प्लस डी 1 हो जाए, नो सॉल्यूशन। ऐसा संभव ही नहीं है कि 2a प्लस 2b 1 भी हो और a प्लस बी 0 भी हो। मैंने पहले ही बताया था कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पिछले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, इस केस में नो सॉल्यूशन मिले। आगे देखिए, इस बार हम चाहते हैं एक्स इंटू बी नल मैट्रिक्स हो जाए। इस बार हम चाहते हैं एक्स इंटू बी नल मैट्रिक्स, नल 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 बहुत अच्छा है। ए बी सी डी और बी कितना निकल के आ गया बच्चा, 9 3 3 1। हम चाहते हैं कि ये नल हो जाए। अच्छा अच्छा, तो यहां से निकल के आएगा दिस इंटू दिस 9a प्लस 3b, फिर दिस इंटू दिस 3a प्लस बी, दिस इंटू दिस 9c प्लस 3d 3c प्लस डी, ये नल हो जाए 0 0 0 0। यानी 9a प्लस 3b भी 0, 3a प्लस बी भी 0, 9c प्लस 3d भी 0, 3c प्लस डी भी 0। आंखों से देखिए, आपकी आंखें तो बहुत तेज हैं, इन दोनों को मिलाकर कुल मिला के 3a प्लस बी 0 आता है, और इन दोनों को मिला के कुल मिला के 3c प्लस डी 0 आता है। तो यानी आपका मैट्रिक्स x बन गया a और b कितना माइनस 3a और c और माइनस 3c। ये लीजिए, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, एक्स बी इक्वल टू जीरो के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, एक्स बी इक्वल टू जीरो के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। अब हम चाहते हैं एक्स बी तो जीरो हो, यानी एक्स ये हो, लेकिन यहां कोणवा में देखें बी एक्स जीरो ना हो, तो बी 9 3 3 1 और एक्स ये वाला एक्स यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होना चाहिए, एक्स बी जीरो होना चाहिए, तो ये एक्स होना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। ए सी माइनस 3a माइनस 3c ये नल मैट्रिक्स ना हो। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इंटू दिस 9a प्लस 3c, दिस इंटू दिस माइनस 27a माइनस 9c, दिस इंटू दिस 3a प्लस c, दिस इंटू दिस माइनस 9a माइनस 3c, ये नल मैट्रिक्स ना हो। कुल मिला के ओवरऑल आपको मिलेगा कि 3a प्लस c 0 ना हो, यानी c नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ गया कि x बराबर होना चाहिए a माइनस 3a 3 माइनस 3c वेयर c नॉट इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया इस आखिरी इक्वेशन का सॉल्यूशन। कुल मिला के हमको फिर से मिले इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम तो पहले ही जानते थे इनफाइनाइट या नो ही मिलेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट भी जीरो है, जीरो। कॉपी कर लीजिए। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। जरा बोर्ड पर देखेंगे, हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, ये नया नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, याद होगा, याद होगा। अब सुने, अब मैं बोलूंगा इफ ए इज नॉन सिंगुलर। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए मान लीजिए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब होगा ए इनवर्स, सॉरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अच्छा, अगर ए इज नॉन सिंगुलर तो इसका मतलब हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट, यही मतलब होता है। दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो,
दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो ये ए इक्वल टू आई आ जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली नॉन सिंगुलर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, रेस्ट ऑल आइडम पोटेंट मैट्रिक्स आर सिंगुलर। बाकी सारे के सारे आइडम पोटेंट मैट्रिक्स सिंगुलर होंगे। ब्रह्मांड में जितने भी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स हैं उनमें एक ही नॉन सिंगुलर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है और वो है आई। ब्रह्मांड में जितने भी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है उनमें एक ही नॉन सिंगुलर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है और वो है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा जितने भी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई भी अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है तो वह सिंगुलर है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है। कॉपी कर लीजिए। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन फिर अपन थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और आईआईटी में आए हुए कुछ जबरदस्त सवाल लेंगे। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाई, मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाई ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाई ए बी इक्वल टू बी इनवर्स, वे आर बी इज इक्वल टू 2-1, 2-0, 2-1, 2-0 ऐसा दे रखा है। बोलता है सबसे पहला, बोलता है विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स फाइंड के सो दैट, बिना बी इनवर्स निकाले के निकाले फाइंड के सो दैट के माइनस टू बी इनवर्स प्लस आई इक्वल टू जीरो, और दूसरा विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स, दूसरा बोलता है विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू बी। ये दो पार्ट हैं, चलिए दोनों के दोनों स्वाट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इसके अंदर बोलता है बिना बी इनवर्स निकाले के निकालिए, तो के माइनस टू बी इनवर्स प्लस आई इक्वल टू जीरो, बी इनवर्स इस पूरे को बी से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से बी से मल्टीप्लाई करो, इधर से बी से मल्टीप्लाई करो, तो के ए बी माइनस टू आई प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए बी किसके बराबर हो गया, बी इनवर्स, तो के बी इनवर्स माइनस टू आई प्लस बी, फिर इधर से बी से मल्टीप्लाई करो, इधर से बी से मल्टीप्लाई करो, के आई बी स्क्वायर, यानी के आई निकल के आ गया टू बी माइनस बी स्क्वायर। ये लीजिए, मिल जाएगी के की वैल्यू, टू बी माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरा पार्ट बोलता है बिना ए इनवर्स निकाले एक्स निकाल दीजिए, तो निकाल लेते हैं ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू बी, इधर से ए से मल्टीप्लाई करो, ए से इधर से, तो ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू ए बी, तो ये आई हो जाएगा, तो एक्स ए इक्वल टू ए बी कितना, बी इनवर्स, फिर इधर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, इधर से ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो एक्स इक्वल टू, अच्छा बी इनवर्स ए इनवर्स, आओ खेलें, इसको लिख सकते हो ए बी का होल इनवर्स, कैसे, रिवर्सल लॉ, और ए बी कितना है, बी इनवर्स का इनवर्स बी। बिना सॉल्व किए खटाखट सब निकल गया, बस इसको जरूर आपको सॉल्व करना है। कॉपी कर लीजिए।